Hey guys, welcome back to Ziya ka Zaika. आज हम बनाएंगे चिकन मलाई बूटी कबाब जो कि बहुत ही जल्दी बनके तैयार होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए हमने बोनलेस चिकन लिया है जिसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ में डाल देंगे क्रीम और डाल देंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सफेद मिर्च पाउडर, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिला दिया है तो हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए। ये देखिए 2 घंटे बाद ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हमने इस तरीके का स्क्रूअर लिया है, आप चाहें तो वुडन स्क्रूअर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें एक एक करके चिकन लगा देंगे। ये देखिए हमने चिकन को स्क्वायर में अच्छे से लगा लिया है। इसी तरीके से हम सारे स्क्वायर में चिकन को लगा लेंगे। ये देखिए हमने सारे स्क्वायर में चिकन को लगा लिया है। अब हमने इस तरीके का ओवन का एक प्लेट लिया जिसके ऊपर से स्टैंड रख के इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर से डाल दिया चिकन को। अब हम इसे डाल देंगे ओवन के अंदर और 20 से 25 मिनट ग्रिल मोड पे ग्रिल करेंगे। ग्रिल होते टाइम हमने इसमें ऑयलिंग भी की है। ये देखिए हमारा चिकन मलाई बोटी कबाब रेडी है। आप इसे प्याज और चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।